निषाद आर्मी के सदस्यों की बैठक सिविल लाइन स्थित एक होटल में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसहमति से रविंद्र निषाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर रविंद्र निषाद का सदस्यों ने माल्यार्पण करके बधाई दी। इस मौके पर रविंद्र निषाद ने कहा कि निषाद आर्मी का प्रमुख उद्देश्य निषाद समाज के साथ साथ समाज के सभी पिछड़े वर्ग, दलित, शोषित, कमजोर वर्ग पर हो रहे अत्याचार उत्पीड़न का विधिक तौर पर मौके पर पहुंचकर मामले का निस्तारण कराना है। बैठक में प्रधान संघ के अध्यक्ष इंद्राशन निषाद, एडवोकेट दिनेश निषाद, राजेश निषाद, अरविंद निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निषाद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र निषाद ने कहा, अमर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी लोग रविंद्र निषाद, हमको हमारे संगठन के सर्वसम्मति से आज हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। लक्ष्य हम लोग का है कि हम लोग संगठन के माध्यम से दबे कुचले गरीब और समाज के लोगों का सहायता करेंगे। किसी प्रकार का लड़ाई और किसी प्रकार का जिस आरक्षण वगैरह का लड़ाई जैसे, और किसी भी प्रकार का जो हमारे समाज को दबाने का काम करेगा, उसके लिए हम लोग तन मन धन लगा करके उसका विरोध करेंगे। चाहे वो किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ हम लोग जाएंगे। अगर कोई भी सरकार हमारे समाज को सही रास्ते पर ले जाता है, सही तवज्जो देता है, जो भी कुछ सही करता है, तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। मगर अगर कोई भी पार्टी, कोई भी दल या कोई भी आदमी चाहे संगठन अगर हम लोग के समाज को दबाने का कोशिश करेगा, तो उसकी लड़ाई हम लोग जो आर्मी के सदस्य, आर्मी के पदाधिकारी टीम बनी है, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। यही हम लोग का मेन लक्ष्य है।